नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे पैन कार्ड में करेक्शन कैसे करवा सकते हैं, चेंज कैसे करवा सकते हैं। तो रिक्वेस्ट फॉर न्यू पैन कार्ड और एंड चेंजेस और करेक्शन इन पैन कार्ड। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पहले पैन कार्ड बना दिया है, उसमें अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस, पिता का नाम अगर गलत है, कोई प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में मिसमैच है, तो उसको चेंज कैसे करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको चेंज कराने के लिए आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और उस फॉर्म का नाम है चेंज और करेक्शन इन पैन डाटा। तो दोस्तों अगर आपके पैन कार्ड में कोई मिस्टेक हो जाती है नाम में या डेट ऑफ बर्थ में, तो आपको नया पैन कार्ड अप्लाई नहीं करना है। नया पैन अगर अप्लाई करोगे तो आपका पैन कार्ड अटक सकता है। तो इसलिए मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि पैन कार्ड में चेंज करने के लिए ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, फिर इसको ऑनलाइन कैसे किया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आपके पास में एक करेक्शन फॉर्म है जो कि एक पेज का फॉर्म है, आप यहां देख सकते हैं एक पेज का फॉर्म है। तो सबसे पहले आपको यहां पर एक फोटो लगवाना है और फोटो के नीचे हस्ताक्षर करना है आपके, और एक इस साइड में फोटो लगवाना है तो क्रॉस में हस्ताक्षर करना है, और यहां पर परमानेंट अकाउंट नंबर जो कि आपके पहले जो पैन कार्ड हैं उनके जो नंबर हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। आपको यहाँ पर अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल लिखना है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे नंबर एक में ये बॉक्स बना हुआ है, नंबर दो में बॉक्स बना हुआ है, नंबर तीन में बॉक्स बना हुआ है, चार में, पांच में, छह में, सात में, ऐसे बॉक्स बने हुए हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो आठ में, नौ में और दस में और ग्यारह में बॉक्स बने हुए हैं। तो आपको ये फॉर्म कैसे बनना है तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले काम कर लीजिए, आप ये करेक्शन वाला फॉर्म प्रिंट निकाल लीजिए, उसके बाद में दो फोटो लगा लीजिए, एक फोटो के नीचे यहाँ साइन करना है ब्लैक पेन से। और ये ध्यान रखना पेन ब्लैक होना चाहिए, काले काले कलर का पेन होना चाहिए, और आपको काले पेन से ही भरना है और यहाँ पे क्रॉस में हस्ताक्षर कर लेना है। फिर आप नंबर एक में क्या भरेंगे, फुल नेम भरेंगे, और आपका फुल नेम क्या है, अगर श्री है, अगर औरत है तो श्रीमती हो सकता है, अगर अभी तक शादी नहीं हुआ है तो कुमारी वगैरह ये आप मिस्टर वगैरह ये भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको भरना है लास्ट नेम, लास्ट नेम ये मैंने यहाँ पे कुमार भरा है, और फर्स्ट नेम है जो रमेश कुमार। अगर आपका नाम रमेश कुमार है तो आपको फर्स्ट में भरना है रमेश और लास्ट नेम में भरना है कुमार। अगर आपका सिर्फ नाम रमेश है तो फर्स्ट नेम नहीं होगा, सिर्फ आपको लास्ट कॉलम में भरना है रमेश, क्योंकि सिर्फ आपका नाम रमेश ही है तो यहाँ पर रमेश भरना है। उसके बाद में पैन कार्ड पर आपका नाम किस टाइप से प्रिंट होकर आएगा, तो आपको यहाँ पर यह भरना है कि रमेश कुमार पूरा नाम है, आपको यहाँ पे स्पेस देके भरना है। सिर्फ रमेश है तो आप यहाँ रमेश भर सकते हैं। अगर आपके नाम में कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लो पहले नाम रमेश था, अब आप रमेश कुमार करवाना चाहते हैं, तो इसमें आप चेंज करवाना चाहते हैं, आपके पैन में रमेश नाम है और आप रमेश कुमार करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा। ये नाम है चेंज करना है तो यहाँ पर टिक करना है, और फादर नाम में और माता के नाम में चेंज करना है तो यहाँ पे टिक करना है। वैसे माता का नाम यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप लिखो या मत लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मत लिखो, लेकिन फादर नेम लिखना जरूरी है। तो मैंने फादर नेम या लास्ट नेम में पूरा नाम लिखा, क्योंकि ये जो मुरलादिया है जो कि इनका पूरा नाम ही एक ही है, ये फर्स्ट नेम बोलो, लास्ट नेम बोलो या मिडिल नेम बोलो यही है, तो आपको यहाँ पे लास्ट नेम ही बढ़ना है, फर्स्ट नेम इसको नहीं बढ़ना है। अगर मुरलादिया बाबू होता तो मुरलादिया फर्स्ट नेम होता और बाबू लास्ट नेम होता। मदर नेम छोड़ दीजिए, बढ़ना नहीं है, मैंने भर दिया। अगर आपके पास मदर नेम है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। फिर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ DDMMYY में आपको भरना होता है, दिनांक, मंथ और ईयर। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर टिक करके डेट ऑफ बर्थ में चेंज करवा सकते हैं, लेकिन चेंज करवाने के लिए डेट ऑफ बर्थ में आपके पास में प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और यहाँ पर फिर मेल है आप फीमेल हैं जो भी यहाँ पर टिक करना है। फिर पांच चार नंबर देखते हैं जेंडर, अगर जेंडर भूल से आपका मेल हो गया है, आप फीमेल है और पैन कार्ड में मेल टिक हो गया भूल से, तो ये चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जेंडर फोर पर क्लिक कर सकते हैं। फोटो में अगर फोटो चेंज करवाना है तो फाइव पे क्लिक करके आप फोटो चेंज करा सकते हैं। हस्ताक्षर चेंज करवाना है तो आप हस्ताक्षर भी चेंज करवा सकते हैं, मतलब एक साथ में बहुत सारी चीजें आप चेंज करवा सकते हैं। अगर एक ही करवानी है तो उस पर आपको फोटो चेंज करवाना है तो सिर्फ आप फोटो पे ही यहाँ पे टिक करें, और एड्रेस आपका चेंज कराना है तो यहाँ एड्रेस पे टिक करें।
अगर आपका एड्रेस रेजिडेंस है, मतलब गांव का एड्रेस है तो यहाँ है, अगर आपका ऑफिस में पैन कार्ड मंगवाना है तो ऑफिस में करें। लगभग मेरा अनुमान है कि आप रेजिडेंस ही करें, ऑफिस का एड्रेस नहीं करें। फिर आपको यहाँ पर नेम ऑफ ऑफिस का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि आपने रेजिडेंस किया है तो ये कॉलम खाली छोड़ देना है। फिर यहाँ पे रूम नंबर, डोर नंबर अगर आपके पास में है तो यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप गांव का भी नाम लिख सकते हैं। नेम ऑफ परमिशन बिल्डिंग मैन या बोरानाडा लिखा है, और आपका पोस्ट ऑफिस, आपका डाक कहाँ आती है तो आपको यहाँ पर ये टाइप करना होगा बोरानाडा। और आपका जो एरिया, लोकेलिटी, तालुका, सब डिवीजन क्या है तो जोधपुर है, मतलब तहसील क्या है आपकी, जो तहसील है वो आपको यहाँ पे भरनी है। सब डिवीजन, तालुका और डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पे भरना होता है। फिर आपको यहाँ पर स्टेट का नाम, जो अभी जहाँ मतलब आपका स्टेट कौन सा है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, जो आपको यहाँ लिखना है। फिर यहाँ के पिन कोड, जो जिप कोड बोलते हैं उसको, पिन कोड है वो यहाँ लिखना है, और कंट्री का नाम आपको यहाँ लिखना होता है। फिर मोबाइल नंबर अगर आपको चेंज कराना है, ईमेल एड्रेस चेंज करवाना है तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे के वैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस 91 इंडिया के कोड है, तो ये 91 सबको भरना होता है। फिर एरिया, इस एरिया और एसटीडी कोड में आपको कुछ भी नहीं भरना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरना होता है। फिर 10 नंबर में है आपका आधार कार्ड, तो यहाँ पर आप आधार नंबर भरना है। फिर आधार कार्ड में आपका नाम क्या है वो यहाँ पे पूरा आपको भरना होगा। उसके बाद में 11 नंबर में आपको कुछ भी नहीं भरना है। अगर आपसे, आपके पास में एक से ज़्यादा पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको नहीं भरना है। और यह 12 नंबर वेरिफिकेशन में भरना है, जिस नाम से आप पैन कार्ड अप्लाई करें उसका नाम भरना, IV रमेश कुमार। फिर आपको यहाँ पे लिखना है हिम सेल्फ, हर सेल्फ आपको लिखना होता है। ये हर पैन कार्ड में हिम सेल्फ, हर सेल्फ आपको लिखना है। और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट कितने, मतलब साथ में डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का टाइप लिख सकते हैं कि भाई कितना डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो मैं यहाँ 3 लिख सकता हूँ कि आपको एक पैन कार्ड की कॉपी साथ में लगानी पड़ेगी, और एक आधार कार्ड है, एक कोई और दूसरा प्रूफ दे रहे हैं। जितने डॉक्यूमेंट दे रहे हैं आपको यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे पैलेस लिखना होता है, जोधपुर जहाँ आपका गाँव का नाम है वो यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ डेट लिख सकते हैं, किस तारीख से आप, किस तारीख को आप अप्लाई करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपके हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पे आपको ब्लैक पेन में हस्ताक्षर करना है। और फिर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 2 की। 2 में आपको यहाँ पर जो लिख रखा है, इन केस नो ऑप्शन प्रोवाइड द पैन कार्ड इशूड बाई फादर्स नेम, तो अगर आपके पिताजी हैं, मतलब आप पैन कार्ड पर पिताजी का नाम रखना चाहते हैं तो पिताजी पे क्लिक करें, अगर आप पैन कार्ड पर माता का नाम रखना चाहते हैं तो माता पर क्लिक करें। तो आपको ज़्यादातर यहाँ पर पैन कार्ड पर पिताजी का नाम ही रखना है, तो यहाँ पर ये क्लिक करें। और दूसरी बात ध्यान रखना, अगर महिला का पैन कार्ड आप बना रहे हैं तो महिला के पिताजी का ही नाम आएगा, उनके हस्बैंड का, पति का नाम आप नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना, महिला का पैन कार्ड बना रहे हैं तो उनके हस्बैंड का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ उनके पिताजी का नाम ही लिखना है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपको पैन में चेंज करवाने के लिए, करेक्शन करने के लिए एक ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है। और इस फॉर्म में ध्यान रखना, कहीं कांट सांट नहीं करनी है, इस तरीके से एकदम साफ साफ अक्षरों में आपको पैन कार्ड फॉर्म भरना होता है। अब इसके साथ में डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, अब डॉक्यूमेंट की मैं बात करता हूँ। अगर नाम चेंज करवाना है तो दोस्तों नाम चेंज संबंधी कोई भी प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। अगर फादर का नाम चेंज करवाना है तो फादर का नाम चेंज का कोई प्रूफ लगाना पड़ेगा। जन्मतिथि चेंज करवा रहे हो तो आप आधार कार्ड मस्ट है दोस्तों, आधार कार्ड के बिना जन्मतिथि चेंज नहीं होगी, ज़्यादातर आधार कार्ड मस्ट होगा। आधार कार्ड आपको यहाँ पे साथ में लगाना होगा, 10th की मार्कशीट भी आप लगा सकते हो और जन्म प्रमाण पत्र भी लगा सकते हो, लेकिन आधार कार्ड तो आपको साथ में लगाना ही होगा। फोटो सिग्नेचर साइन करवा रहे हैं तो फोटो सिग्नेचर आपको ये करके देना है, ये फोटो है और ये हस्ताक्षर है आपके, ये चेंज हो जाएगा अगर आप यहाँ पर टिक मार्क करेंगे तो। अगर यहाँ टिक मार्क नहीं करेंगे तो जो पहले पैन कार्ड में थे वही सेम टू सेम आएगा, तो इसलिए आप यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको चेंज करवाना है वहाँ पर टिक मार्क करके इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऑनलाइन करने का प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा कि ऑनलाइन कैसे करना है। तो अगर पहले से आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो उसमें कोई चेंज, मतलब न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना है, आपके इस पुराने पैन कार्ड का एक फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे पुराना कार्ड, पैन कार्ड का मतलब है करेक्शन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ये फॉर्म मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं और फॉर्म आपके पैन कार्ड में करेक्शन चेंज करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।